नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा हिस्सा अध्याय हम बीमार क्यों होते हैं का, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है, यह पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संक्रमक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं। यह 2019 में आया था और इस साल के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि इसमें हम आंसर देखते हैं, संक्रमक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हमारे विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियां होनी चाहिए। पहली सावधानी देखो बच्चों, पीने के पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा विद्यालय है वहाँ पे जो पानी बच्चों के लिए उपलब्ध होता है वह स्वच्छ होना चाहिए, पहला तो ये है। दूसरा, संपूर्ण विद्यालय की नियमित साफ सफाई होना चाहिए, तो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं विद्यालय में वो प्रतिदिन जो जितने भी कक्ष हैं विद्यालय के वो साफ करते हैं कि नहीं, ये चीज देखनी चाहिए। तो प्रतिदिन विद्यालय की संपूर्ण नियमित सफाई होना चाहिए ताकि रोग ना फैले, किसी प्रकार की बीमारी ना हो। अगला क्या पॉइंट है हमारा, कि विद्यालय में सभी को खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए। तो जितने भी विद्यार्थी और बाकी शिक्षक हैं वो अपने साथ एक रुमाल रखें और जब भी उनको छींक आती है या खांसी आती है तो वह रुमाल अपने मुंह पर रख लें। ऐसा करने से यह होगा कि मतलब वो छींक और खांसी के साथ जो कीटाणु है वो बाहर फैलेंगे नहीं और दूसरे व्यक्ति और लोग बीमार नहीं होंगे। चौथा, हम देखते हैं कि विद्यालय में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमको यह ध्यान रखना होगा कि हमारे विद्यालय में कहीं भी गड्ढा या ढाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं और फिर वो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाते हैं। इसलिए हमारे विद्यालय में कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी के निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा, हम क्या देख सकते हैं कि विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। तो जितने भी विद्यालय में शौचालय यूज होते हैं उनमें निरंतर और हर दिन हफ्ते के अंदर में सफाई होती रहना चाहिए। छठवा क्या है कि विद्यालय परिसर व आसपास में खुले भोजन व फल आदि की बिक्री प्रतिबंधित करनी चाहिए और टीकाकरण को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित होना चाहिए। विद्यालय में कर्तव्य है स्वास्थ्य विभाग का कि वो विद्यालय में सर्वे करे और पता करे कि लगभग हर बच्चे को समय के अनुसार टीकाकरण हुआ है या नहीं, क्योंकि टीकाकरण से बीमारियों की रोकथाम होती है। तो इस प्रकार से ये 7 उपाय हम करके संक्रमक रोगों को बढ़ने से रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं विद्यालय में। और अगला क्वेश्चन के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी ही मैं इसका अगला क्वेश्चन डालूंगा। धन्यवाद छात्रों।